वाह, क्या आईपीओ है। चलिए तो चलते हैं, मेरे सहयोगी शौर्य मेरे साथ मौजूद हैं पूरा अपडेट लेकर, कौन से आईपीओ खुले हुए हैं, किस तरह का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो सबसे पहले शौर्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले ये बताइए कि अपडेट्स क्या हैं जो आईपीओ खुले हुए हैं या आज खुले हैं, उनको लेकर जानकारी दीजिए। जी, आज सबसे पहले देखते हैं, आज एक नया आईपीओ खुला है, अल्फा लॉजिक्स इंडस्ट्री, और ये एसएमई आईपीओ है जिसका प्राइस है 96 रुपीज़ पर शेयर, और आज से खुला है यानी 3 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक खुला रहेगा। कंपनी 12.88 करोड़ रुपए जुटाने की योजना में है, और जो पूरा इशू है वो फ्रेश इशू से कंपनी इतना पैसा जुटाएगी, और आज 12 बजे तक ये 5% भर चुका है, और अभी इसका जो GMP है वो 0 रुपये चल रहा है। और इसका अगर कारोबार की बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार में है, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशन स्टोरेज सिस्टम बनाने के कारोबार में है, और जो कंपनी ने पैसा बनाए रेज करेगी वो जनरली वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करने की कंपनी बात कर रही है। चलिए इसके बाद उन कंपनियों पर नज़र डाल लेते हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड हो चुके हैं और जिनका चल रहा है। तो पहला है PKH वेंचर्स, आज इसका दूसरा दिन है, और आज अगर बात करें तो अभी 12 बजे तक 18% भर चुका है, और इसका GMP चल रहा है 12 रुपये। उसके बाद एक साइनोप्टिस टेक्नोलॉजी है, वो भी 30 जून को खुला था यानी आज उसका दूसरा दिन है, और उसमें जो है अगर आज 12 बजे तक 32% भर चुका है आईपीओ, और 20 रुपये का GMP चल रहा है। वहीं अगर तृतीय टेक आईपीओ की बात करें तो वो भी 3 जून को खुला था और 5 जुलाई तक खुला रहेगा यानी दूसरा दिन चल रहा है उसका भी, और वो आईपीओ आज 72% भर चुका है और उसमें GMP चल रहा है 10 रुपये का। वहीं एक और आईपीओ ग्लोबल पेट इंडस्ट्रीज, वो 28 जून को खुला था, आज 3 जुलाई यानी उसका आखिरी दिन है, और आज 12 बजे तक वो 1.46 टाइम्स भर चुका था। ओके, तो आपने कुल मिला के 4 आईपीओ की बात करी है, 3 SME की हैं जो कि एक आज खुला है, 2 पहले से खुले हुए हैं उसका अपडेट लेंगे, और एक का मेन बोर्ड पे है PKH वेंचर्स, जिनका मैनेजमेंट भी हमारे साथ शुक्रवार को जुड़ा था। तो इन 4 आईपीओ पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर रिसर्च मौजूद हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के, अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, 4 आईपीओ है जिन पे ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहले तो ये जो मेन बोर्ड पे आईपीओ खुला हुआ है PKH वेंचर्स का, उसको लेके आपकी क्या राय है सर? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन में काम करती है, इनके हॉस्पिटैलिटी होटल्स भी है, प्लस मैनेज सर्विसेज भी करती है। कंपनी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, फ्रेश इशू भी है, OFS भी है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, लंबे नजरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारे सेक्टर्स में जो ये काम करती है वहां पे ग्रोथ काफी अच्छा आएगा ऐसा मुझे लग रहा है। वैल्यूएशन भी रीजनेबल है मेरे ख्याल से, अगर किसी को अप्लाई करना है स्लाइटली यू नो मीडियम लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली आईपीओ में लगाना चाहिए। बट हाँ, लिस्टिंग गेन शायद इतने बड़े ना मिले, बट डेफिनेटली लॉन्गर टर्म के लिए पैसा इधर बन सकता है। ओके, लॉन्गर टर्म के लिए यहाँ पे PKH वेंचर्स में पैसा बन सकता है, ऐसी राय निकल के सामने आ रही है। अब जरा सर, SME के जो आईपीओ खुले हुए हैं उसके ऊपर बातचीत करते हैं। ग्लोबल पेट इंडस्ट्रीज, ये 49 रुपीज़ का फिक्स प्राइस इशू है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका आखिरी दिन है और अभी तक ये करीब 1.5 गुना के आसपास भर चुका है। क्या राय हुई सर, इसमें पैसा लगाना बनता है क्योंकि 1.5 गुना के आसपास ये भर चुका है? आईपीओ तो पूरा भर गया है, छोटा इशू है, करीब 13 करोड़ रुपये के आसपास की रकम जुटाना चाहते हैं, क्या इसमें पैसा बनने की गुंजाइश है? लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पैसा तो बन सकता है और आपके निवेशकों को यहाँ पे अप्लाई जरूर करना चाहिए, लेकिन जैसे आपने भी कहा कि ये बहुत छोटा इशू है, ऑलरेडी 1.5 गुना यू नो ऑलरेडी भर चुका है, तो यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। जब सभी लोग जानते हैं कि SME में यू नो अलॉटमेंट मिलना दिक्कत की बात होती है, तो मैं समझता हूँ कि वही पे अप्लाई करें जहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि अदरवाइज यू नो अलॉटमेंट ना मिले तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो इन्वेस्टर्स को होता ही है। बट कंपनी अच्छी है, लॉन्गर टर्म के लिए डेफिनेटली इसमें अच्छी ग्रोथ आएगी। ओके, तो क्या फिर त्रिडिया टेक, इसके आईपीओ में पैसा लगाया जा सकता है? 35 से 42 रुपए इसका जो प्राइस बैंड है वो तय किया गया है, अभी ये 72% के आसपास भर चुका है, 5 जुलाई तक ये खुला हुआ है, इसके आईपीओ में पैसा लगा दें? नहीं बिल्कुल, देखिए ये लिस्टिंग गेन के लिए मेरे ख्याल से काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए अगर शेयर आपका यू नो दुगना आप यू नो एप्रिसिएशन देता है इमीडिएटली लिस्टिंग पे, तो एक अच्छा मौका है लोगों को शॉर्ट टर्म में भी पैसा बनाने के लिए, क्योंकि सारे SME कंपनीज में देखिए क्वार्टरली नंबर 6 मंथली आते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा, तो लिस्टिंग गेन्स के लिए मेरे ख्याल से काफी अच्छा विकल्प हो सकता है। तो लिस्टिंग गेन के लिए त्रिडिया टेक, जिसका आईपीओ करीब 72% के आसपास 12 बजे तक भर चुका है, 5 जुलाई तक ही खुला रहेगा, अच्छे लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं इसमें, आप चाहें तो अविनाश जी कह रहे हैं पैसा लगा के चल सकते हैं। आखिरी इशू है सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजीज, ये भी 5 जुलाई तक खुला हुआ है, इसमें 32% के आसपास का ही सब्सक्रिप्शन आया है, 12 बजे की जा तक बात है यहाँ पे, लेकिन जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अच्छा खासा इंडिकेट हो रहा है, इसका प्राइस बैंड जो प्राइस है वो 237 रुपये का है, 20 रुपये के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा है, आपकी क्या राय है सर, इसमें पैसा बन सकता है?
नहीं बिल्कुल, देखिए ये एक ऐसी कंपनी है जो सोल्यूशन और सर्विसेज में काम करती है और इनके काफी बड़े कस्टमर्स है, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप है, SBI है, कोटक है, फेडरल बैंक है, प्लस महानगर गैस है, फिर रेलटेल है, तो कस्टमर्स इनके काफी अच्छे हैं। प्लस ये मैनेज सर्विसेज पे ज्यादा अभी फोकस कर रहे हैं जहाँ पे रेवेन्यूबिलिटी अच्छी है, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली लिस्टिंग गेंस और लंबी अवधि के लिए अच्छा विकल्प होगा, क्योंकि ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो ये कंपनी को यू नो मार्केट ऑफर करेगी, तो अच्छा इश्यू है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा प्योरली लिस्टिंग नहीं बट प्योरली आई मीन अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लगाना चाहता है तो अच्छी खासी यहाँ पे रिटर्न मिलने की अपेक्षा रहेगी। ओके, तो सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजीज लिस्टिंग गेन की गुंजाइश तो कम है, लेकिन हाँ लंबी अवधि के लिए कारोबार अच्छा है, इनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो उस लिहाज से आप लंबी अवधि के लिए इसमें पैसा लगा के चल सकते हैं। एक और IPO है अल्फा लॉजिक इंडस्ट्रीज, ये 6 जुलाई तक खुला रहेगा, आज ही खुला है सर, अभी अगर हम 12 बजे तक की बात करें तो 5% के आसपास ही बढ़ा है, आज ही खुला है ये IPO, तो उस लिहाज से क्या इसमें आपको लगता है कि एंट्री ली जा सकती है? देखिए ये एक बिजनेस में कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, ज्यादातर ये यू नो एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी बेस्ड बिजनेस है, और सबसे बड़ी बात बिजनेस में अगर कोई स्पेशल USP नहीं है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, तो ऐसे IPOs को अगर आप छोड़े तो वही ठीक रहेगा। मेरे ख्याल से जो बाकी 3-4 SME IPOs है वहाँ पे बिजनेस का पोटेंशियल अच्छा है, बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, तो इस IPO को मैं अवॉइड करूंगा। ठीक है, तो अल्फा लॉजिक इसके IPO का आप अवॉइड करके चल सकते हैं, ये राय फिलहाल आपके लिए निकल के सामने आती है। अविनाश सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े, सारे IPO आपने पर आपने बातचीत करी, अपनी राय हमारे साथ शेयर करी, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। तो शौर्य मेरे साथ मौजूद हैं, शौर्य के पास चलते हैं कि अभी तक जो IPO खुले हुए हैं उसकी बातचीत तो हमने कर ली, कौन से नए खुले हैं, लेकिन शौर्य पाइपलाइन क्या है, यानी कि कल परसों इस हफ्ते में किस तरह का जो एक्शन है वो IPO मार्केट में देखने को मिल सकता है, दोनों की बात कीजिएगा, मेन बोर्ड की भी और SME की भी। जी अगर मेन बोर्ड की बात करें तो कल 4 जुलाई को जो HMA एग्रो है वो IPO जो है खुलने वाला है, उसके बाद अगर ये 4 जुलाई को खुलेगा उसके बाद बेसिकली एक वो कंपनी बता रहा हूँ मैं जो ऑलरेडी इनका बीडिंग हो चुकी है और ये लिस्ट होने वाली है, तो HMA एग्रो जो है वो 4 जुलाई को लिस्ट होएगी, उसके बाद विफिन टेक्नोलॉजी है वो 5 जुलाई यानी वेडनेसडे को लिस्ट होएगी, उसके बाद मैक्सन रिटेल, ग्रीन शेफ, एशियन स्पेशलिटी सारी वो कंपनी है जो 6 जुलाई को हमें IPO पे लिस्ट होती हुई नजर आएंगी। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ IPO मार्केट में होने वाला है, बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, चाहे SME की बात करें या मेन बोर्ड की बात करें, कल एक बड़ी लिस्टिंग है HMA एग्रो इंडस्ट्रीज, इसके सब्सक्रिप्शन की जहाँ तक बात है तो कुछ खास बड़ा रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला था, लेकिन हाँ लिस्टिंग कैसी होती है इस पर कल के सेशन में हम शौर्य आपसे बात जी इसमें अगर देखें तो टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ था HMA में 1.62 टाइम्स, यानी एक बार फुट तो भर चुका था, एक बार हाँ पूरा भर चुका है, लेकिन कोई बहुत बड़ा रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला था, तो कैसी लिस्टिंग होती है इस पर हम कल बातचीत करेंगे शौर्य, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह क्या IPO है,